अभी माशाल्लाह अब तक जो आ रही है कि हमारी मुर्गियाँ आई है ना, उसमें आज का दिन ऐसा है कि अभी माशाल्लाह माशाल्लाह सबसे ज्यादा जो है अंडे हमें जो है मिले। ये वाला चूजा मुझे थोड़ा सा सुस्त लग रहा है, ये वाला चूजा देखिए पर भी इससे बिल्कुल छोड़े हुए थोड़ा सा सुस्त लग रहा है। ये बहरहाल इसको चेक करता हूँ मैं थोड़ी देर में, प्रॉब्लम है क्या इसको प्रयास पकड़ने के लिए यह है। चलें जी कटोरी शेप हो गई है, अब हम एक फिलिंग उठाएंगे इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। बहुत गर्म हो रही है भाई, बहुत गर्म हो रही है। चलो भाई आलू प्याज की कचौरी ट्राई करते हैं भाई कैसी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई दोस्तों सुबह सुबह अपने सबसे छोटे वाले चूजों को जो है चेक करेंगे, और चेक करने के अलावा इनका ये पेपर भी हमें चेंज करना है और इनको फीड भी हमें ऐड करनी है। तो सबसे पहले भाई फटाफट मैं इनका पेपर चेंज कर लूँ और ये फीड के लिए भी बेचैन हो रहे हैं। अच्छा भी दोस्तों इनका फ्रेश पेपर मैंने ऐड कर दिया है और अब इसमें ज़रा फीड ऐड करते हैं। तो हमें आ जाओ फीड खा लो। चलो भाई फीड पे आ गए माशाल्लाह से। ये वाला चूजा मुझे थोड़ा सा सुस्त लग रहा है, ये वाला चूजा देखिए पर भी इससे बिल्कुल छोड़े हैं, वो मसला है चूजे के साथ। ये वाला ये इसकी अपेयरेंस भी सही नहीं है और देखें माशाल्लाह से सारे ही खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं ये भी खा रहे हैं, यही नहीं खा रहा बस के साथ ही मसला लग रहा है मुझे। आंखें बंद करके जब वो बैठा है इसको मैं अलग कर देता हूँ। चलो वैसे अपेयरेंस वाइज तो कोई नाक से पानी वगैरह नहीं आ रहा है इसके, हो सकता है शायद ठंड लग गई है उसको। हालांकि फिर भी इसका मैं अलग कर देता हूँ। चलो भाई तुम कुछ देर जो है यहाँ पर रहो, और हो सकता है यहाँ पर असल में गर्माइश है कम, तो गर्माइश ना होने की वजह से शायद हो सकता है ठंड लग गई है उसको, क्योंकि रात में बंद भी बंद था। लेकिन फीड भी मैंने इसकी यहाँ पर ऐड कर दी है, बट ये फीड की तरफ आ नहीं रहा। आ जाओ आओ। नहीं भाई कोई मसला है इसके साथ, फीड की तरफ भी नहीं आ रही है। चले अभी फिलहाल इसको अलग ही छोड़ते हैं और थोड़ी देर में इसकी एक्टिविटी चेक करेंगे आके। बाकी और तो कुछ सुस्त नहीं हो रहा भाई यहाँ पे, एक जब सुस्त हो जाए ना तो डर लग जाता है कहीं दूसरे भी सुस्त ना हो गए। नहीं और तो माशाल्लाह से सेट है, एक्टिव है। अच्छा भाई आज सेकंड डे होगा लहसुन के पानी का, तो सबसे पहले मैं सबके बर्तन जो है कलेक्ट कर लूँ। अच्छा भाई बर्तन कलेक्ट करने से पहले मेरे चूजों को तो चेक करें क्या कर रहे हैं हमारे छोटे वाले चूजे। ये देखें अभी क्या खूबसूरत लग रहे हैं भाई माशाल्लाह। मैं ज़रा चेक कर लूँ सारे हेल्दी एंड एक्टिव है ना, तुम्हारी तबीयत ठीक है भाई। ये ज़रा सा सुस्त लग रहा है मुझे, ये वाला जो सबसे पहले है। हाँ इसकी आँखें थोड़ी सी बंद हो रही है पर भी इससे गिराए हैं। अभी क्या मसला हो गया आपके साथ? अभी ये असल में इतने दूर हो गए इनको पकड़ना ही मुश्किल है, और इनको पकड़ने के लिए अंदर ही जाना पड़ेगा। थोड़ा सा सुस्त लग रहा है ये, नॉर्मल इसको चेक करता हूँ मैं थोड़ी देर में कि प्रॉब्लम है क्या इसको। बाकी सारे माशाल्लाह से हेल्दी इलेक्टिव है। अच्छा भाई फीड इनकी यहाँ पे मौजूद है, पानी इनका मैं उठा लूँ, फ्रेश पानी ऐड करेंगे। अच्छा भाई इस चूजे को मैं पकड़वा रहा हूँ जो सुस्त हो रहा है, ताकि इसको मैं निकाल लूँ। कोई मसला है तो दूसरों को कोई मसला ना हो। मसला तो है जिस तरह ये खड़ा हुआ है, परिंदा जब पड़ छोड़ देता है ना तो उसका मतलब इसको तकलीफ है, बीमारी है। प्रयास पकड़ने के लिए यह है बाहर ना निकला है। हाँ ये है भाई। अच्छा ये बजीज का पिंजरा है, इसमें इसको मैं छोड़ देता हूँ ताकि इसकी एक्टिविटी में देखता रहूँ क्या प्रॉब्लम क्या है। और इसको भी मैं सोच रहा हूँ, हाँ अब इनको पर तो उसने काफ़ी छोड़े हैं, अब इनका क्या करना है थोड़ी देर में डिसाइड करते हैं कौन सी मेडिसिन देनी है। चलो भाई बाकी सबके भी पानी के बर्तन कलेक्ट कर लूँ मैं और इनकी अपडेट लें अभी क्या है। तुम लोग सब सेट होना भाई, क्या पोजीशन है बताओ? हाँ भैया पेरेंट्स वाइज तो सही है माशाल्लाह सब सेट है, पर इनके ही बहुत झड़ रहे हैं भाई, लग रहा है पर झड़ने का कोई मौसम चल रहा है। ये सब जगह पर ही पर हो रहे हैं, वो देखें भाई काफ़ी पर झड़ रहे हैं भाई इनके, और पानी हुआ है इनका ख़त्म। चले अंडे चेक करें कितने आए। ओए हुए माशाल्लाह बड़े साइज़ का अंडा आ गया भाई, ये चेक करें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह कितने बड़े साइज़ का अंडा है, और ये ज़रा छोटे साइज़ का अंडा है, लग रहा है किसी नई मुर्गी ने अंडा दिया ही, तो ये अच्छी बात है माशाल्लाह से। भाई पाँच मुर्गियों में से तीन अंडे जो है वो आ गए, जाओ भी अंदर जाओ आप। बाकी भाई ऊपर जो आ रहा है यार एंड फैमिली है, ये देखें चेक करें इनको, इसको देखें जरा फिर अंडा इससे ऊपर दिया है। कल तो मैंने बड़ी मुश्किल से उठाया था इसको, आज देखें भाई हाथ जाता है कि नहीं। भाई ये तो मेरा इम्तिहान ले रहे हैं, ये देखें ओ आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गया भाई आ गया। ये इन्होंने क्या नया नया तरीका निकाला है, मुझे लग रहा है यहाँ पर मुझे घास ऐड करनी पड़ेगी, जब ये घास में जो है ना फिर देंगे अंडा वहाँ पे। चले भाई पानी के अंदर बर्तन निकाल लें, फीड तो इनकी मौजूद है, मज़ीद फीड ऐड कर देंगे यहाँ पे। ओहो इन्होंने बर्तन अपना गिराया हुआ है, बर्तन गिराया हुआ भाई क्या हुआ। और फीड इनकी ऐड करनी है। अच्छा अंडे की क्या पोजीशन है? हाँ अभी माशाल्लाह अंडा आया हुआ है,
चलो अभी इसको कर देते हैं बंद। अंडों को मैं ज़रा रख दूँ जगह पे। सब अंडे जो है काफ़ी जमा हो गए माशाल्लाह से। बाकी भाई इनके अंडे कलेक्ट करने के लिए कल ये मैं बास्केट लेके आया हूँ, तो इसमें रखना शुरू कर देते हैं। इनके ये अंडे तो मैं ऊपर ही रखूँ ब्रावा वाले। अब ये कि माशाल्लाह इतने हो गए कि एक दो दिन और वेट करके ना हम इनक्यूबेटर में इनको रख सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ पूरे ये 24 हो जाए फिर इनको इनक्यूबेटर में रखें हम, क्योंकि आज जो है वो 3 अंडे आए हैं वो भी कलेक्ट कर लूँ मैं। और एक मुर्गी अभी स्टिल आ रही है अंडा देने के लिए। हाँ जो छोटे अंडे होंगे ना इसमें साइज़ के वो मैं हटा दूंगा, वो घर में खाने के लिए इस्तेमाल में आ जाएंगे। बाकी बड़े अंडे जो है वो इनक्यूबेटर में रख देंगे। अब जैसे छोटा अंडा है एक तो खाने में इस्तेमाल में आ जाएगा, ये भी छोटा अंडा है, तो दो छोटे अंडे मैं निकाल ही लेता हूँ, ये नीचे ले जाऊँगा, बाकी ये इनक्यूबेटर में काम आ जाएंगे। अच्छा भाई आज है डे 2 लहसुन के पानी का। आओ अंदर आओ, शाबाश। मुझे लग रहा है ये मैंने जो ईंटें इतनी पीछे रखी हुई है ना, यहाँ पानी रखना मुश्किल होता है, मैं कहीं यहाँ पे इनको रख देता हूँ ईंटों को, ताकि पानी रखने में आसानी हो। क्योंकि जब दरवाज़ा खोलते हैं ना सारे चूहे इधर ही आ जाते हैं, या छोटी मुर्गियाँ जैसे हैं इनको पानी ऐड करना मुश्किल होता है। अच्छा भाई फीड भी इन्होंने ख़त्म कर दी, तो वो फीड भी ऐड करनी पड़ेगी भाई। माशाल्लाह बड़ी क्विकली फीड खा रहे हैं, बाकी अभी माशाल्लाह से एक्टिव हैं सारे। इधर क्या पोजिशन है, क्या वो भाई गर्मी लग रही है क्या, पर क्यों छोड़े हुए तुमने? नहीं नहीं सेट है, सब सेट है माशाल्लाह। सफाई भी भाई दोनों तरफ की डी हो गई है, कल इंशाल्लाह मैं सारी मट्टी निकलवा के ना सफाई करवाता हूँ। चलो भाई बड़ी वाली मुर्गियों को भी सबको पानी ऐड करते हैं, पहले ब्राह्मण फैमिली को करते हैं। चलो लहसुन का पानी डे 2 इनका माशाल्लाह से सेट है ये। हाँ भाई तैयार हो पानी पीने के लिए? चलो शाबाश पानी पियो। माशाल्लाह एक मुर्गी जो है वहाँ पर है, देख लूँगी सुस्त तो नहीं हो रही वो, इसे कोने में क्यों बैठी हुई है? नहीं खैर सेट है माशाल्लाह सेट। बाकी चूजे हमारे भाई वो कोने पे पहुँचे हैं और अब ऐड करते हैं भाई आ रहा यार इन फैमिली को पानी। चलो माशाल्लाह से सेट है सारे। बाकी भाई दोस्तों गर्मी ठीक ठाक हो गई है, अभी मैं इनको पानी दे रहा था तो पसीना निकलना शुरू हो गया, तो गर्मी भाई आ गई है ठीक ठाक वाली। बाकी इनकी ये जगह अच्छी है भाई, सायद आ रहे हैं और ये क्या थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है, यहाँ पे हवा का एहसास भी हो रहा है, देखें हल्के हल्के पर भी उड़ रहे हैं ये देखें। ओहो एक और अंडा आ गया भाई इतनी जल्दी माशाल्लाह, पहले कितने थे 3 थे ना, अब 4 अंडे हो गए भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अच्छा हो गया भाई दोस्तों। आज तो कुछ ज़्यादा ही अंडे आ गए माशाल्लाह से, 5 मुर्गियों वाले टोटल 4 अंडे आ गए अभी तक, उसको हम भाई यहीं बास्केट में ऐड कर देते हैं। बाकी भाई दोस्तों अब जो चूज़ा बीमार है उसको क्या मेडिसिन देनी है, उसके लिए मैंने एमोक्सिल 250 mg का जो कैप्सूल है वो मिलाया है, और वो ये रहा, वैसे तो अभी सही चल फिर रहा है माशाल्लाह से। हमारे लिए एमोक्सिल का पानी है ये मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, देखते हैं पानी पीता है कि नहीं। हाँ पी रहा अभी माशाल्लाह पी रहा है, अभी तो सही है, थोड़ा सा एक्टिव लग रहा है मुझे। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतर हो गया भाई, काफ़ी बेहतर हो गया, उस वक्त तो बिल्कुल ही पर छोड़े हुए थे इसने। हाँ आप तो ज़रा पर भी इसने ऊपर कर ली, मुझे लग रहा था शायद उसको ठंड लग गई थी, मैंने असल में बल्ब बंद किया था ना रात को, हो सकता है रात को उसी टाइम जो है ठंड बढ़ गई हो, या इनके लिए तो खाली तो अभी बिल्कुल तकरीबन न्यू बॉर्न की तरह ही है, चंद दिन हुए इनको, हो सकता है इनको ज़रा ठंड लग गई हो, तो अभी माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर लग रहा है। बहरहाल फिर भी मैंने इसको एंटीबायोटिक वाला पानी ऐड करके ऐड किया है मैंने, ताकि ये सारा दिन पीते रहें। बाकी ये वाले तो सेट है भाई माशाल्लाह से, बाकी ये वाले जो चूज़ हैं इनको भी मैं एंटीबायोटिक का पानी ऐड कर रहा हूँ, और फार्मूला जो है वो सबका मैंने एक ही बनाया है। अच्छा भाई फार्मूला मैंने क्या बनाया है, मैंने बनाया कि भाई आधा लीटर पानी में एक 250 mg का जो है वो एमोक्सिल का कैप्सूल ऐड करके उसको अच्छी तरीके से मिक्स किया है। इनको तो खैर मैं एहतियात नहीं दवा पिला रहा हूँ, क्योंकि ये बीमार चूज़ा भी इन्हीं के साथ था, तो अच्छा ये भी जो है मेडिसिन पी लें। बाकी दोस्तों ये वाले जो चूज़े हैं इनको भी मैं मेडिसिन ही ऐड कर रहा हूँ एंटीबायोटिक, उसकी वजह ये कि क्योंकि वो एक बीमार चूज़ा जो है वो इन्हीं में से निकला है, तो एहतियातन इनको भी मेडिसिन दे रहा हूँ मैं। माशाल्लाह अभी पानी पी रहे हैं, बाकी तो सब सेट है ना अभी भाई, बाकी माशाल्लाह सेट है। बाकी ये जो चूज़ा एक बीमार लग रहा है जिसको हमने वहाँ से निकाला है, इसको भी मैं मेडिसिन वाला पानी ऐड कर रहा हूँ एंटीबायोटिक वाला। चलो भाई चलो भाई, अच्छा माशाल्लाह से पानी पी लिया आते ही, चलो अच्छी तरह पी लो भाई। अच्छा फीड अभी मैं इसको ऐड नहीं कर रहा, थोड़ी देर में ऐड करूंगा ताकि पहले ये पानी अच्छी तरीके से पी ले। चलो भाई दोस्तों माशाल्लाह से सबका दाना पानी हो गया। चलिए जी यहाँ पर हम बनाने आलू प्याज कचौड़ी, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो है उसकी डो तैयार करनी होगी, उसके लिए हम जो है 1.5 कप मैदा लेंगे, थोड़ी सी पेपर अजवाइन इसको ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, अब इसके अंदर हम घी ऐड करेंगे। चलें जी इतना काफ़ी है, मोलने के लिए हमारे पास बॉटल है इसी को हम यूज़ करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे।
हमारी डो जो है वो भून गई है, ये हमने वहीं लगा दी। हम इसको कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। चलिए जी, अब कचौरी की जो है फिलिंग हम रेडी करते हैं। उसके लिए हम जो है थोड़ा सा इसको रोस्ट करेंगे, धनिया, ज़ीरा और सौंफ, इन तीनों को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। उसके बाद इसको हम जो है ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा भाई दोस्तों, सुबह जो एक चूज़ा बीमार हुआ था, ज़रा उसकी अपडेट ले भाई, अब क्या कर रहा है वो। हाँ भाई, अब कैसी तबीयत है? काफ़ी बेहतर लग रहा है भाई मुझे माशाल्लाह से। और पर जो उसने गिराए हुए थे ना, वो अपने गिराए हुए पर मतलब सुबह से जो है ना काफ़ी बेटर लग रही है मुझे इसकी कंडीशन, माशाल्लाह से बेहतर है। और ये वाले क्या कर रहे हैं भाई? ये वाले भी माशाल्लाह सेट है भाई सारे। और धूप ही भाई नेचुरली जो है वो धूप आ रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं बॉर्डर के अंदर। बाकी मास्टर कहते हैं ऊपर चूरू की कंडीशन देखे, ओहो भाई ज़बरदस्त। मैं तो अभी देखा है भाई आगे धूप, आप देखें भाई दोस्तों माशाल्लाह क्या बेहतरीन धूप आ रही है। तकरीबन भाई पूरे इस पोर्शन को धूप ने कवर किया हुआ है। और ये अच्छा है कि भाई जाती हुई धूप इधर आ रही है, मतलब ये कि ज़्यादा गर्माइश नहीं है धूप में, और जो धूप की प्रॉपर्टीज़ है ना वो भी इंशाल्लाह इनको मिलेंगी। तो ये आप देखें भाई, हाँ भाई सब सेट है ना, बाकी सारे ओके। और ये साया तलाश कर रहे हैं, साये में जा रहे हैं। बाकी पानी इनका भी मौजूद है, मेडिसिन वाला पेट भी मौजूद है। और ये भाई इसकी भाई मुझे बड़ी खुशी है कि प्रॉपर माशाल्लाह से धूप भी आ रही है, और ये कि ठंडी धूप आ रही है, मतलब जो शाम की धूप होती है ना ठंडी, वो यहाँ पे आ रही है। तो ये भाई सेट है भाई माशाल्लाह से। और नीचे आर आई आर की पोजीशन देखे भाई, यहाँ पे धूप आ रही है कि नहीं? और ये आर आई आर के पोर्शन में देखे भाई, माशाल्लाह बेहतरीन धूप आ रही है, और तकरीबन पूरे जो है ना इस पोर्शन को कवर किया हुआ है। क्या बात है भाई। अच्छा गर्मी हो गई है, देखें मुर्गे को लग रही है गर्मी, इससे पर जो है वो पुलाए हुए। और बाकी भाई सब सेट है माशाल्लाह। अंडा देखो भाई, मजीद को अंडा आया कि नहीं? ओहो एक और अंडा आ गया भाई माशाल्लाह। अरे भाई आज तो क्या पूरे 5 अंडे हो गए मेरे काल में। और भाई माशाल्लाह अब तक जो आ रही यार की हमारी मुर्गियाँ आई है ना, उस पर आज का दिन ऐसा है कि भाई माशाल्लाह सबसे ज़्यादा जो है अंडे हमें जो है मिले। और आई थिंक ये 5वां अंडा है भाई आज, माशाल्लाह आ रही यार मुर्गियों ने भाई भरपूर अंडे दिए। और अब रेगुलर बेसिस पे देखना है इनको भाई, अब डेली इनके कितने अंडे आते हैं। बाकी यहाँ पे क्या कंडीशन है भाई, आप लोग सेट हो? हाँ भाई सब सेट है। और अंडा जो है उनका एक ही आ रहा है, कल भी एक आया था आज भी एक आया है, इसका मतलब दो मुर्गियाँ जो है वो एक ही अंडा दे रही हैं। अब आई डोंट नो, एक ही मुर्गी अंडा दे रही है, ऑल्टरनेट आ रहे हैं। और शाम की भाई धूप जो है माशाल्लाह से प्रॉपर हमारे केजेस में आ रही है। और यहाँ पे तो देखा भाई धूप की यहाँ पोजीशन, अरे यहाँ पे भी अच्छी खासी धूप आ रही है भाई, ये मैंने नोटिस नहीं किया, आज मैं शाम को इसलिए आया हूँ देखने के लिए। देखा भाई यहाँ पे भी प्रॉपर धूप आ रही है। और इस तरफ जो है वो थोड़ी सी कम है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है ज़्यादा धूप, ये आई थिंक यहीं से आएगी धूप, जब ये रुख होगा ना धूप का तब यहाँ पे जो है वो धूप आने का चांस होता है, अदरवाइज जाती भी धूप यहाँ पे नहीं आ रही ऊपर वाले पोर्शन में, नीचे तो फिर भी आ रही है। चलिए सबसे पहले हम इसके अंदर तेल डालेंगे, थोड़ा सा जीरा सौंफ और धनिया का जो हमने रोस्ट किया था उसको हमने ग्राइंड कर दिया है, और अब हम इस तेल के अंदर जो है इसको ऐड कर देंगे। यहाँ मेरे पास जो है वो अदरक है, इसको ऐड कर देंगे थोड़ा। अदरक को अंदर फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर प्याज डालेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे। चलिए जी, यहाँ पे कुछ मसाले हैं वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास ग्रीन चिल्ली है, कुटी हुई मिर्च है, और अजवाइन है, गरम मसाला है, हल्दी है, लाल मिर्च है, और नमक है। प्याज जो है वो फ्राई हो चुकी है, अब इसके अंदर जो है इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्के से सौते करना है, ठीक है? उसके बाद ये जितने भी मसाले हैं सब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मसाले ऐड करने के बाद इसको हल्का सा जो है हम भूनेंगे। चले जी, मसाले जो है वो भून गए, एक चम्मच बेसन का ऐड करेंगे, और बेसन डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। अच्छा जी, बेसन जो है वो भून गया, अब इसके अंदर जो है हम ये आलू ऐड करेंगे। चलिए जी, आलू जो अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं, अब इसके अंदर हमारे पास लीमू है, फ्यू ड्रॉप्स जो है हम लीमू के डाल देंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑनली, और थोड़ा सा जो है मैं यहाँ पे कोरिएंडर ऐड कर दूँगी। इसको मिक्स करने के बाद अब इस मिक्सचर को जो है हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। चलिए, हमारे पास डो है, इसको हम निकालेंगे। फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। चलो जी, इससे हम जो है वो चार पेड़े बना लेंगे। अब जो हमारे पास मिक्सचर था फिलिंग के लिए, फिलिंग्स के भी हमें पेड़े बना लेने हैं। चलें जी, हल्का सा हाथ को जो है वो ग्रीस कर लिया है, पेड़ा लेंगे और उसकी जो है कटोरी बनाएंगे। चलें जी, कटोरी शेप हो गई है, अब हम एक फिलिंग उठाएंगे, इसको इसके अंदर ऐड करेंगे और इस तरीके से इसको बंद कर देंगे। ठीक है जी, ये बंद हो गई है। इसी तरीके से तीनों भी मैं कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इसको फ्लैट करेंगे। अब इसको जो है मैं फ्लैट करूँगी।
आंच जो है बिल्कुल स्लो रखनी है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल हल्की आंच पे जो है आपको इसको कचौरी को ऐड करना है। अच्छा भाई दोस्तों, इफ्तार की टेबल पे आ गए और आज भाई जो स्पेशल डिश बेगम ने बनाई है वो है भाई कचौरियाँ। अभी आती है उनसे पूछते हैं भाई कौन सी कचौरी है ये। बारह लुक भाई बड़ा अच्छा आया कचौरियों का, ये आप देख सकते हैं। ये देखें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी बड़ी बड़ी गोल गोल कचौरियाँ हैं और गर्मा गर्म है भाई अभी उतरी है। ये देखें भाई वाओ बड़ा अच्छा लुक आया अभी कचौरी का, ये कोई कीमा कचौरी की तरह मुझे लग रही है। अच्छा भाई बाकी हमारे पास जो है वो पकौड़े हैं प्याज के और छोले हैं, खजूर है, शरबत है और ये दही का रायता है। आई थिंक ये कचौरियों के लिए दही का रायता। तो आज आयरा का फेवरेट चीज़ कौन सी है, कौन सी चीज़ ट्राई करेंगी? कचौरी। अब भाई जो नई चीज़ होती है ना आयरा का जो है वो उसी की तरह इशारा होता है कि वही चीज़ खाएंगी नहीं, है ना। अच्छा भाई दोस्तों इफ्तार का टाइम हो गया, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। चलो भाई दोस्तों कचौरियों का रिव्यू देते हैं और इधर नाम तो पूछे भाई क्या नाम है कचौरियों का स्पेशल? आलू प्याज कचौरी। ये तो गर्मा गर्म है बिल्कुल। ओहो बहुत गर्म हो रही है भाई, बहुत गर्म हो रही है। ओए होए होए होए, और फिलिंग भी भाई काफ़ी अच्छी हुई है भरपूर। अच्छा फूली हुई भी है, काफ़ी फूली है भाई। चलो भाई आलू प्याज की कचौरी ट्राई करते हैं भाई कैसी है। थोड़ा सा ये इसके अंदर का मसाला तो अच्छा है, ये ऊपर की जो कोटिंग है ना थोड़ी थिक हो गई है ज़्यादा, ये सिकती हो काम की वजह से, मतलब ये लाइट फ्लेम पे सिकती है ये थोड़ी सी, ये मतलब या तो फिर पतली होनी चाहिए थी ज़रा, इसको बेलना ज़्यादा चाहिए था। फर्स्ट टाइम ट्राई किया। अंदर से फिलिंग तो अच्छी है, फिलिंग टेस्टी है भाई माशाल्लाह। आ रहा माशाल्लाह आरे को भी पसंद आई है और आया तो फास्ट चल रही है आज, लग रहा है आयरा जीत जाएंगे आज बाबा से। मैंने तो थोड़ी खाई आ रहे हैं तो माशाल्लाह इतनी सारी खा ली माशाल्लाह। बाबा भी वो जल्दी जल्दी खाते हैं फिर मैं भी जल्दी जल्दी खाता हूँ। तो भाई दोस्तों सुबह जो चूज़ा बीमार हुआ था उसकी ज़रा अपडेट लेते हैं और ये है भाई वो चूज़ा और अब जो है भाई माशाल्लाह बहुत मुझे इम्प्रूव लग रहा है ये चूज़ा। और पहले तो बिल्कुल ही जो है वो आँखें बंद करके सर थोड़ा सा झुका के बैठा हुआ था और पर भी से नीचे करे हुए थे और अब काफ़ी जो है वो माशाल्लाह से एक्टिव लग रहा है और बोल भी रहा है भाई काफ़ी। तो मैंने इसको शाम में भी चेक किया था, काफ़ी इम्प्रूवमेंट इसकी नज़र आई थी। मैंने फिर थोड़ी देर इसको और छोड़ा, मैंने कहा रात में इसको चेक करेंगे तो भी ज़रा देखते हैं दौड़ भाग रहा है कि नहीं। अरे भाई भाग रहा है भाई भाग रहा है भाई माशाल्लाह से एक्टिव तो है भाग रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि अकेला जो है ना थोड़ा घबरा रहा है और मुसलसल जो है ना बोल रहा है ये। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे काफ़ी तबीयत इसकी बेहतर नज़र आ रही है, मैं सोच रहा हूँ उसको शिफ्ट कर देता हूँ वापस इन्हीं चूज़ों के साथ ताकि ये किसी डिप्रेशन में ना रहे। तो आ जाओ भाई अपने दोस्तों में वापस आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वैसे पेरेंट्स वाइज तो माशाल्लाह बिल्कुल सही है, कोई इसमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही और छोड़ के देखते हैं। चलो भाई आओ अपने दोस्तों में। हाँ ये आ गए भाई अपने दोस्तों में और गुल मिल गया भाई, खाना पीना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पर बेचैन हो रहा था अकेले अकेले जो काफ़ी जो है बोल रहा था ये, तो यहाँ भाई अब देखे भी माशाल्लाह काफ़ी सेट लग रहा है। तो फाइनली मैं अपने दोस्तों से दोबारा मुलाकात हो गई इनकी, काफ़ी बेहतर है भाई। और बाकी सारे भाई क्या अपडेट है इनकी? माशाल्लाह बाकी सारे भी जो है वो हेल्दी एंड एक्टिव है माशाल्लाह। अच्छा भाई दोस्तों ज़रा चूज़ों का नेट भी चेक करें मास्टर केज में क्या आता है। कहाँ है भाई कहाँ है चूज़े? हैं ओहो यहाँ बैठे हैं सारे के सारे दबक के, है भाई कोने में आराम कर रहे हो सारे के सारे। अब लाइट जल गई ज़रा एक्टिविटी तो दिखाओ अपनी, घूमो फिरो जाओ शाबाश। चलो भाई थोड़ी देर पे देखते हैं घूमते फिरते हैं कि नहीं, बाकी जब तक हम यहाँ पे अपडेट चेक कर लें भाई। मुर्गियों की एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है लाइट जलती। अच्छा भाई दो मुर्गे ऊपर है, एक उसके साथ मुर्गी है, बाकी जो है मुर्गियाँ नीचे हैं और आज भी माशाल्लाह से अंडे काफ़ी ज़्यादा है इनके। बाकी इनको देखें भाई कहाँ ऊपर बैठी हुई हैं मुर्गियाँ और किस सारा जो है बॉक्स उन्होंने ऊपर से गंदा कर दिए। फीड ये लोग कम खा रहे क्या बात है, ये मैं इतना ही भर के ऐड करता हूँ नीचे उनको, वो तो माशाल्लाह से खा लेते हैं, इन्होंने बड़ा कम खाया है फीड। पेट की इंटेक कम क्यों है भाई आपकी, क्या भूख भूख नहीं लग रही क्या, सब सेट है? हाँ पेरेंट्स वाइज तो सही है। ओ हो मुर्गा एक्टिव हो गया भाई, मुर्गा एक्टिव हो गया। बाकी नीचे की पोजीशन क्या है भाई, इन्होंने फीड खाना शुरू कर दिया भाई माशाल्लाह सेट है सब। चले भाई ये देखा भाई चूहे जो है वो अब जो है वो मैदान में आ गए हैं, एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है इनकी। अच्छा काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि बाद भी जो बड़े वाले चूज़े हैं ना यानी कि जो फैंसी केज में चूज़े हैं उनको आपको इस मास्टर केज में शिफ्ट करना चाहिए था। ये मैं वीडियो में पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ, एक्चुअली अभी वो चूज़े फॉल बॉक्स में चल रहे हैं तो इस वजह से मैं उनको जो है वो इस तरफ लेके नहीं आना चाह रहा,
क्योंकि इसके बारे में मैंने पढ़ा है इन डिटेल के जो फॉल पॉक्स होती है वो जब तक उनका खुरंड जो होता है ना खुरंड के अंदर भी वायरस होता है, क्योंकि अभी उनका वो टाइम है जिसमें उनका खुरंड जो है वो जड़ रहा है। तो आपको जाहिर सी बात है जड़ेगा तो इधर कहीं गिरेगा आगे, तो उसमें भी बताया गया है कि उसमें वायरस होता है तो उससे भी ये फॉल पॉक्स फैलता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, वो बिल्कुल उनका जो जितनी भी अलामत है वो सारी खत्म हो जाए, फिर इंशाल्लाह जो है वो उनको यहाँ पे लेके आएंगे। इस वजह से मैं उनको यहाँ पे नहीं लेके आ रहा, वरना तो पहला जो मेरा प्लान था जब फॉल पॉक्स नहीं था उनको, मेरा प्लान यही था कि भाई उनको मैं यहाँ शिफ्ट करता, तो सिर्फ यही वजह है जिसकी वजह से मैंने उनको रोका हुआ है वहाँ पर, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ पर उनकी कम्प्लीट रिकवरी हो जाए, ताकि वो जो उनको वायरस है जो बीमारी है वो इस तरफ जो है वो इस पोर्शन में यहाँ पे मुंतकिल ना हो। तो देखेंगे इनशाला जब वो फुली रिकवर्ड हो जाएंगे तो फिर इनशाला उनको भी यहाँ पे लाके शिफ्ट करेंगे। बाकी भाई जब तक जो है हमारे ये वाले चूजे यहाँ पे इन्जॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो भाई दोस्तों आज का ब्लॉग आया हो आप लोगों को पसंद आया होगा, नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जा दीजिए अल्लाह।